हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी मैक्रोनी, जिसे आप 15 मिनट में इजीली स्टेप्स फॉलो करते हुए बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 2 कप पानी बॉईल होने के लिए रखा है। एक कप मैक्रोनी ली है। आप मैक्रोनी कोई भी शेप की यूज़ कर सकते हैं। पानी बॉईल हो गया है, अब इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी को 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे छलनी में छानकर निकाल देंगे। अब इस पर 1 कप ठंडा पानी इस तरह डाल देंगे। मैक्रोनी को एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। फिर 3 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर इस तरह मिक्स कर लेंगे। अब एक कढ़ाई या पैन में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें इस तरह मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी को 3 से 4 मिनट तक हाई और मीडियम फ्लेम पर तलें। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैक्रोनी का कलर चेंज हो गया है। अब इसे तेल से इस तरह से बाहर निकाल देंगे। बाकी की बची मैक्रोनी को भी इस तरह तल देंगे। तेल से बाहर निकालते टाइम मैंने पेपर टॉवल का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर तेल बाद में थोड़ा रहेगा तो मसाला अच्छे से लग जाएगा। धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है। इस तरह इन्हें तेल से बाहर निकाल देंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला डालकर इस तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी मसाला डाल सकते हैं, जैसे चाट मसाला, पानीपुरी मसाला, लाल मिर्च पाउडर। क्रिस्पी मैक्रोनी बनकर तैयार है। इसे आप इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।